ऑलराइट, लगता है सारे लोग आ चुके हैं। तो जैसा कि दोस्तों, ये है लावा ब्लेस्ट टू 5G, और इसमें आज की वीडियो में आप लोगों को इसके सारे हिडन फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले ट्रिक के बारे में दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। ये हमें इसमें गूगल ड्राइव मिलता है, कॉल करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, तो आपको ये एक अनाउंसमेंट सुनने को मिलता है, कॉल जो है रिकॉर्ड हो रहा है। गूगल ने इसमें एक अपडेट दिया है, इसके लिए आपको सेटिंग में जाना है, कॉल रिकॉर्डिंग में जाना है, और फिर आप लोग को यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है प्ले ऑडियो टोन इंस्टेड ऑफ डिस्क्लेमर। तो जो ये डिस्क्लेमर हमें मिलता है कि कॉल रिकॉर्ड हो रहा है, उसे आप लोग बंद करके बीप बीप की टोन लगा सकते हैं। वो क्या है, तो आपने नोटिस किया है यहाँ पर आप लोग को एक बीप सुनने को मिल रहा है, और इससे भी सामने वाले को पता चल जाएगा कि कॉल जो रिकॉर्ड हो रहा है। पर आप लोग इसे भी बंद कर सकते हैं, एनोनिमसली कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं ना, चुपके से कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग अपने ऐप ड्रॉअर में जाना है, कॉल करना है, और आप लोग को एक ऐप मिलता है फ़ोन। ये आपका लावा का डिफॉल्ट डायलर है और ये आपका गूगल डायलर है। तो लावा का डायलर को ओपन करेंगे और इसे हम लोग स्टेटस डिफॉल्ट कर देंगे, और इसे यहाँ पर चेंज करके स्टेटस डिफॉल्ट कर देंगे। उसके बाद से सारा काम हो गया हमारा। अब हमें लावा का डायलर मिलता है, और इसमें आप लोग इजिली कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं, कोई भी अनाउंसमेंट सामने वाले को सुनने को नहीं मिलेगा, पर आप इससे कोई गलत काम ना करें। और ये रिकॉर्डिंग आपके फाइल मैनेजर में जाने के बाद इंटरनल में जाएंगे, और आपको जान मिलता है म्यूज़िक, उसमें आपको ये फाइल सेव होता है बाय डिफॉल्ट। लावा ने दोस्तों अपने फ़ोन को प्रीमियम बनाने के लिए पीछे में आप लोग को जो कैमरा मॉडल दिया है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, उसमें आप लोग एक रिंग लाइट देखने को मिलता है। यहाँ पर आप लोग को जब भी कॉल नोटिफिकेशन वगैरह आएगा तो उसे आप लोग यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस रिंग लाइट को आप लोग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके लिए आप लोग को अपने क्विक सेटिंग पैनल पर ही ऑप्शन मिलता है रिंग लाइट का, इसे आप लोग यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, या फिर फोन को सेटिंग में जाने के बाद डिस्प्ले में जाएंगे तो यहाँ पर आपको रिंग लाइट का ऑप्शन मिलता है। वहाँ पर आने में आप लोग कस्टमाइज कर सकते हैं कब कब आपके फ़ोन में ये डिस्प्ले रिंग लाइट जो है वो बजेगा। टाइमिंग स्विच यहाँ पर लगा सकते हैं, स्टार्ट टाइम एंड टाइम सेट कर सकते हैं, ऑलवेज कर सकते हैं, ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं, लो मीडियम हाई। जब चार्ज में लगाएंगे आप लोग उस वक्त ये लाइट जलेगा, जब कोई इनकमिंग कॉल आएगा या फिर नोटिफिकेशन आएगा तब ये लाइट आपको कस्टमाइज ब्लिंक करता हुआ दिख जाएगा। तो इस तरह कस्टमाइज आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों को ये जो फिंगरप्रिंट देख रहे हैं, इससे आप लोग काफ़ी काम कर सकते हैं। इससे आप लोग फोटोज़ कैप्चर कर सकते हैं, यानी फोटो यूजर को कैप्चर कर सकते हैं। कैमरा ओपन करेंगे, इस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं फोटोज़ यहाँ पर कैप्चर हो गया है। या फिर आप लोग वीडियो को रिकॉर्ड करना चाहेंगे तो इस पर आप लोग लॉन्ग प्रेस करेंगे तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। या फिर आप लोग इससे कॉल को रिसीव कर सकते हैं, कोई भी कॉल आया इस पर टैप करेंगे तो कॉल देख सकते हैं यहाँ पर रिसीव हो चुका है। तो इस ऑप्शन को इनेबल करने के लिए आपको अपने फ़ोन के सेटिंग में चले जाना है, स्क्रॉल करके जाना है आप लोग को स्पेशल फंक्शन में, ऑप्शन मिलेगा फिंगरप्रिंट फंक्शन, इस पर जाना है आप लोगों को। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलता है, आंसर कॉल, टेक फोटो या वीडियो, या रिटर्न होम। तो ये दो ऑप्शन को आप लोग ऑलवेज ऑन कर सकते हैं, पर ये इसे ऑन करेंगे तो वो बंद हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो हमें यहाँ पर आप लोगों को जो नेटवर्क की स्पीड वो देखने को मिल रहा है, क्या स्पीड हमारे फ़ोन में देखने को मिल रहा है। तो उसके लिए आप लोगों को फ़ोन की सेटिंग में जाना है, डिस्प्ले में जाना है, और यहाँ पर नेटवर्क स्पीड भी मिलता है, उसे आप लोग इनेबल कर देना है। उसके बाद से आप लोग की जो नेटवर्क की स्पीड है, इंटरनेट की जो स्पीड है, आपको स्टेटस बार में देखने को मिलता रहेगा, और वहीं पर आपको ऑप्शन मिलता है इसी डिस्प्ले सेक्शन में, रिफ्रेश रेट जो है आप लोग 90 हर्ट्ज़ या डायनेमिक कर सकते हैं। डायनेमिक करेंगे तो आपको बैटरी अच्छा मिलेगा, पर आप लोग कभी कभी इंटरफेस हो सकता है, स्टैंडर्ड करेंगे तो आपको ऑलवेज 60 हर्ट्ज़ में आ जाएगा, और बैटरी बैकअप आपको अच्छा देखने को मिलेगा। ये जो सारे एप्लीकेशन देख रहे हैं आप लोग, उसे भी आप लोग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो होम सेटिंग में जाना है, और यहाँ देख सकते हैं आप लोगों को कस्टमाइज ऐप आइकन, आप लोग जो भी आइकन चाहेंगे। क्रोम पर क्लिक करता हूँ, माई फोटो में जाता हूँ, कैमरा क्लिक करता हूँ, कोई सा भी फोटो, और मैं इसे यहाँ पर सेट कर सकता हूँ। सेट कॉपी कर दिया मैंने, देख सकते हैं ये जो क्रोम है आइकन वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। आप लोग यहाँ पर इस पर टैप करके उसे रिसेट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग ऐप आइकन को काफ़ी अच्छे तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने होम स्क्रीन की सेटिंग में जाने के बाद। ऐप नाम को भी आप लोग कस्टमाइज़ कर सकते हैं, आपको क्रोम नहीं रखना है, कुछ और नाम रखना है वो रख सकते हैं। आइकन साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं, डेस्कटॉप मोड या फिर शो ऑल ऑप्शन, ऐप ड्रॉअर को इनेबल करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, ऐप लेंथ सिंगल लेंथ में चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो इस तरह का कस्टमाइज आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसे आप लोग लॉन्ग टाइप करके भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, या फिर अपने फ़ोन की सेटिंग में जाकर डिस्प्ले में जाएंगे तो
तो होम सेटिंग में आके यहाँ पर भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। होम सेटिंग में आप लोग को वॉलपेपर भी कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन मिलता है, कुछ हिस्सा से आपको देखने को मिलता है, और आप लोगों को जो पैलेट कलर पैलेट थीमिंग होता है वो देखने को मिल जाता है। इस तरह से आप लोग यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं और थीम को भी आप लोग यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हैं और अपडेट यहाँ पर कर सकते हैं, साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपके वॉलपेपर से अडेप्ट होकर आपकी जो आइकन है वो देखने को मिल जाता है। पर्सनलाइजेशन वॉलपेपर में जाएंगे तो यहाँ पर आप लोग कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जो चार्जिंग एनिमेशन मिलता है उसे आप लोग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। कुछ हिस्सा की चार्जिंग एनिमेशन आपको देखने को मिलता है, पर बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये मिलता है डिफॉल्ट स्टाइल, पर आप लोग क्लासिक चार्जिंग एनिमेशन में यहाँ पर जा सकते हैं। और स्पेशल फंक्शन में आप लोग को और भी ऑप्शन मिलता है, और भी फंक्शन मिल जाता है। ऐप क्लोन में जाएंगे आप लोग तो मल्टीपल एप्लीकेशन की आप लोग क्लोन बना सकते हैं, फ़ोनपे, व्हाट्सएप, फेसबुक। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन बाई डिफ़ॉल्ट देखने को मिलता है उन्हीं एप्लीकेशन को, इंस्टाग्राम, पेटीएम और जीपे वगैरह को आप लोग यहाँ पर क्लोनिंग कर सकते हैं। मे बी फ्यूचर में अपडेट देखने को मिल जाए कि हम लोग किसी भी एप्लीकेशन को क्लोन कर सकते हैं। फ्लिप टू साइलेंस मिलता है, कोई भी कॉल आता है ऐसे रख देंगे फ़ोन तो आपका फोन साइलेंट में चल जाएगा। स्मार्ट आंसर इसे एनेबल कर देंगे, उसको जब भी कॉल आएगा आपका तो आपको रिसीव करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके कान के पास अपना फ़ोन लेकर जाएंगे और फ़ोन ऑटोमेटिक रिसीव हो जाएगा। थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट उसे एनेबल कर सकते हैं, डबल टैप टू वेक एंड स्लिप कर सकते हैं, बैटरी विल चार्ज फास्टर, ध्यान रखना डबल टैप। अगर आप लोग वॉल्यूम बटन को प्रेस करते हैं और आपको गूगल असिस्टेंट यहाँ पर ऑन हो जाता है, तो इसके लिए अगर अपने फ़ोन को ऑफ करना चाहते हैं तो आपको विजन पैनल में ऑप्शन मिलता है पावर ऑफ करने का, या फिर आप लोग पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन को इसे प्रेस करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा इसे शट डाउन करने का, या फिर आप लोग इस ऑप्शन को चेंज करना चाहते हैं गूगल से प्रेस करके लॉक प्रेस करते हैं गूगल असिस्टेंट मिलता है। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपली आप लोगों को सेटिंग में चले जाना है और उसी में जाना है आप लोगों को स्पेशल फंक्शन में, और यहाँ पर ऑप्शन मिलता है नीचे में एकदम प्रेस एंड होल्ड पावर बटन, तो इस पर टाइप आप लोग डिसेबल कर देंगे तब आपका फोन में आप इसे लॉक प्रेस करके आपका असिस्टेंट में पावर बटन यहाँ पर एनेबल होगा। इसे बैक करके अगर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे यहाँ पर तो आपको एक शॉर्टकट देखने को मिलता है, या फिर यहाँ से आप लोग होल्ड करेंगे ऐसे करके तो ऑप्शन मिलता है। तो इसके लिए आप लोग सेटिंग में जाकर स्पेशल फंक्शन में जाना और आप लोग को जो ऑप्शन मिलता है साइड एप्लीकेशन बार, तो इसे आप लोग एनेबल करेंगे। आप लोग डिसेबल करेंगे तो आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, तो आपको इस ऑप्शन को एनेबल करना है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर बैक करके होल्ड करेंगे, यहाँ पर स्वाइप करके होल्ड करेंगे तो आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अबाउट फोन में जाने के बाद आप जाएंगे यहाँ पर 4+4, यानी आप लोग अपने वर्चुअल रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को वर्चुअल रैम पर क्लिक करना है, तो आप यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हैं 1, 2, 3, 4। मैं आप लोग का रिकमेंड करूँगा कि आप लोग इसे डिलीट ही कर दें, इसे आप लोग डिसेबल कर दें। रैम एक्सपेंशन जस्ट अ गिमिक थिंग। और दोस्तों आपको यहाँ पर VoNR यानी 5G कॉलिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है, तो उसके लिए आप लोग को फ़ोन की सेटिंग में चले जाना है, मोबाइल नेटवर्क में जाना है और देख सकते हैं आप लोग को VO 5G इसे एनेबल कर देना है। इसे एनेबल करने में आप लोग को 5G बैठे हुए कॉल कर सकते हैं, पर ये जो VoNR की सपोर्ट है ये सभी लोकेशन भी अवेलेबल नहीं है। अगर आपकी लोकेशन भी अवेलेबल है तो मुझे बता सकते हैं, जब भी आप लोग किसी भी कॉल करेंगे तो आप 5G बैठे हुए कॉल कर सकते हैं। पर देख सकते हैं मेरे फ़ोन में यहाँ पर मैं जब कॉल करता हूँ तो वो 4G पर स्विच हो जाता है। तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं आपकी लोकेशन पर ये 5G कॉलिंग अवेलेबल है या फिर नहीं। आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। अगर आप लोग इस फ़ोन की रिव्यू चाहते हैं तो आप लोग मेरे ये वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं और मैं आपसे मिलूंगा उसी वीडियो में।